मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाल बाग से किया प्रदेशवासियों को संबोधित। कोरोना काल के दौरान कार्य करने वाले और कोरोना वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को किया नमन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के लाल बाग में छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के दौरान कार्य करने वाले कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को नमन किया। दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं परम कोट विद्रोह के नायक अमर शहीद गैन सिंह और उनके साथियों को नमन करता हूं, जिन्होंने सन 1857 के पहली व्यापक क्रांति के पहले ही छत्तीसगढ़ में आजादी की अलग जगाई थी। उनकी ज्वाला को वीर गंगाधर और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाया और फिर पूरा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। आजादी की लड़ाई को जुनून में बदलने वाले अनेक अमर शहीदों के साथ इसके निर्णायक मुकाम पर पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस दौर के सभी नायकों और भारत माता के गुमनाम सिपाहियों को मैं सादर नमन करता हूँ। आजाद देश को अपना भारत विरासत बनाने का अवसर हमारे महान संविधान ने दिया, जिसे बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूपण समिति के सभापति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों और कानूनविदों ने संविधान सभा तथा विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। इनमें हमारे छत्तीसगढ़ के कानूनविद भी शामिल थे। आज मैं उस सबको नमन करता हूँ।